डॉक्टर खतीजा, BUMS डॉक्टर हूँ मैं। मैं अपनी बहन को यहाँ पे डॉक्टर बेग के ज़रिए लेके आई। उनको अमलाइकर हर्निया हो गया था। मैं डॉक्टर बेग को कॉल करी, उन्होंने, मेरे कलीग है, कुछ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है करे तो मैं उनको बोलती हूँ, ये पेशेंट है सर, ऐसा है ऐसा है, सब इनसे बोलती हूँ। तो मेरे सिस्टर का ही है, बल्कि मैं उनको कॉल करी, कई पेशेंट्स को उन्होंने मतलब थोड़ा कम में भी सर्जरी ऐसा वगैरह कराते, बल्कि मैं उनको कॉल करके बोली। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर दिलसुख नगर के हॉस्पिटल में बुलाई, ग्लोबल हॉस्पिटल है, गुड लाइफ हॉस्पिटल है, बल्कि बुलाई, यहाँ पे सर्जन है, आके बात करो बोले। मैं मेरे सिस्टर को तभी ले लेके आई, 4 बजे लेके आके यहाँ पे बात करे तो अम्बिलिकल हर्निया है माँ, बहुत बढ़ गया कर गया। डॉक्टर बेग भी बैठे, मेरे पेशेंट के उनके हस्बैंड भी बैठे, मैं भी बैठी, और वो सर्जन बल्कि बताए, जो कि उन्होंने सर्जन ने एनेस्थेटिस है कहते, अभी मालूम हुआ माँ को, और उन्होंने 80,000 का पैकेज बताए लैप्रोस्कोपी के लिए। तो फिर डॉक्टर बेग सर, मैं निकल गई, वहाँ से निकली तो सर केबिन में लिख जाके बोलो खतीजा आप कितना, नहीं सर इतना तो नहीं होता, मेरे को ही पे करने का है, उनके हस्बैंड ड्राइवर है, नहीं हो सकता बोल के, 50,000 हो सकता बोल के मैं चले गई। मैं चले गई वहाँ से, मैं बिना बताए कि सर मैं आपको बोलती हूँ, बल्कि फ़ोन कॉल करके मैं उनको चले गई। मैं चंपापेट श्रीयास हॉस्पिटल में भी ड्यूटी करी थी, मैं एक बार वहाँ जाके सर को बुलाई तो सर आके देख के बोले नहीं माँ बहुत ओबेस है, मेरे लैप्रोस्कोपी में तो नहीं है, यहाँ पे 30,000 में मैं ओपन में कर देता हूँ। फिर हम क्लिनिक को चले गए, अपनी क्लिनिक में चले गए, डॉक्टर बेग सर कॉल करे। फिर ये है देखिए डॉक्टर बेग, मैं अभी आपको फ़ोटो बताती हूँ उनकी, ये डॉक्टर बेग है। ये डॉक्टर बेग है, उन्होंने कॉल करे क्या हुआ, क्या बोल रहे खतीजा बोले तो नहीं सर इतना नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते बोले तो ठीक है मैं बात करके बोलता हूँ, बल्कि फिर 50 में ओके बोल के तुम सर्जिकल प्रोफाइल टेस्टा तुम बाहर करवा लो बोले, नहीं सर मेरे से नहीं हो सकता सर, मैं आपको बोलती हूँ उन लोग दूसरी जगह भी ट्राई कर ले रहे हैं, बल्कि मैं रख दी। फिर थोड़ी देर में कॉल करके बोले ठीक है जी मैं बात कर लिया, प्रोफाइल वगैरह भी हम सब करा लेते, कब लेके आते पेशेंट को बोले तो सर मेरे पास फंक्शन है, मैं आपको सैटरडे लेके आती हूँ बोले, नहीं जी ब्लड टेस्ट तो भी दे दो कर दो, बल्कि फ्राइडे आके ब्लड टेस्ट दिए, नहीं थर्सडे आके ब्लड टेस्ट दिए, और फ्राइडे के दिन सुबह में 8 बजे आओ, कार्डियोलॉजिस्ट आता बोले। वो लोग आए तक 9:30 हुए, कार्डियोलॉजिस्ट चले गया। सुबह 9 बजे से पेशेंट यहाँ पे है, हम पेमेंट 15,000 डिपॉजिट थर्सडे के दिन ही कर दिए हम, फ्राइडे के दिन सुबह 9 बजे से पेशेंट यहाँ पे है, पेशेंट को एक ICU में एक बेड दे के रखे, पेमेंट नहीं करे बल्कि बार बार उन्होंने फ़ोन करके बोल रहे पेमेंट करना है बल्कि मेरे भांजी का निकाह था, मैं वहाँ थी तो इसीलिए मैं नहीं आ सकी। अब मैं 8:40 को आके पेमेंट करी, सर को बोल रही हूँ सर बड़े बड़े कॉपरेट हॉस्पिटल में भी नहीं करते सर ऐसा, पूरा बिल लिए तक नहीं वो करते, पहले सर्जरी 15 डिपॉजिट करा दी ना सर, मैं नहीं नहीं वैसा नहीं होता जी सर्जरी, मैं बोली सर सर्जरी नहीं करे बोले तो यहाँ से कॉल आ रहा कि उनको सर्जरी स्टार्ट हो गई, बल्कि जबकि मेरे भाया बोल रही सर्जरी स्टार्ट नहीं हुई, अभी पेशेंट को हटाए भी नहीं, वो एक सर्जरी स्टार्ट हो गई, सर्जरी के लिए लेके चले गए सर, मेरे को वीडियोस और फोटोज डाले, मैं लैप्रोस्कोपी के लिए आई थी यहाँ पे, मेरे को वीडियोस और फोटोज डाले, डालते ही मैं खोल के ये देखी, मेरे पेशेंट का पेट खोल के करे सर्जरी, ये देखिए आप मेरे पेशेंट का पेट खोल के करे सर्जरी, एक ही फ़ोटो ओपन करके मैं उनको डायरेक्ट कॉल करी, सर किसकी इजाज़त से आप करें ये ओपन, किसकी इजाज़त से करें, कौन आपको अथॉरिटी दिया, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया सर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करें आप बोले, तो अभी बात कर रहा हूँ, बल्कि वो इंसान फ़ोन स्विच ऑफ ही कर लिए, और फिर मेरे को मैसेज भेज रही, करना शुरू करी तो मेरे को मैसेज आया वहाँ से, वो दिल्ली को जा रही, आपको डॉक्टर सुरेश एक्सप्लेन करेंगे जो भी बात है, आप थोड़ा कोऑपरेट करो। क्या कोऑपरेट करूँ सर, किस बात के लिए कोऑपरेट करूँ, मेरे को लैप्रोस्कोपी बोल के ओपन कर दिए बोल के कोऑपरेट करूँ, और जो मेरे पेशेंट को प्री ऑप जो ऑपरेशन से पहले जो जो चीज़ें करना था, यूरिन कैथेटर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती, पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिए तो नॉर्मल इंसान से भी पूछ लीजिए उसके पैर नहीं हिलते, तो वो यूरिन के लिए पैर उठा के या वॉशरूम कैसा जाएगा, 12 घंटे तक उसको बेड से उसको सुनपना नहीं जाता, धीरे 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 करके जाता, तो उसको कैथेटर नहीं डाले, और डॉक्टर यहाँ आके मेरे को पूछ रही पेशेंट को यूरिन फील हो रहा क्या हम कैथेटर डालना क्या, जब हम पुलिस कंप्लेन करें तो सर बोले थोड़ी देर वेट कर लो अम्मा सुबह बुला के बात करेंगे, जब SI साहब आए थे
कुछ कम प्रॉब्लम है तो आके बोलो। बोले अभी पेशेंट को यूरिन फील हो रहा जी, क्या कैथेटर डालना क्या पूछ रहा मेरे को यहाँ का डॉक्टर, और मेरे को बता रही पोस्ट ऑप में भी डाल सकते, जिसका पेट कट गया सब हो गए बाद से उसको कैथेटर किस तरीके से डालते, ये नेग्लिजेंसी चल रही। और यहाँ पे 11 बजे ऑपरेशन हुआ, अब आप ये टाइम देख रही 4:40 हो रही, मैं ये टाइम तक भी पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन में फिर रही हूँ यहाँ। लेकिन यहाँ पे जो मेन है स्टाफ में से कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन आके नहीं बात कर रही। अब जब पेशेंट को एडमिशन कराए थे यहाँ पर, यहाँ के कौन से डॉक्टर से बात हुई थी आपकी? डॉक्टर बेग लेके आओ, और डॉक्टर बेग यहाँ पे कैबिन पे बैठे, डॉक्टर बेग के बेटे हैं यहाँ पे, डॉक्टर इमाद बल के बेटे हैं उनके, यूक्रेन से करके आए बोले उन्होंने, सबसे मिलाए उन्होंने। आपके बहन के सर्जन कौन थे? डॉक्टर सुरेश को ही बताया हमको, डॉक्टर सुरेश से ही बात कराए। हाँ, डॉक्टर सुरेश से फर्स्ट मीटिंग पे बात हुई, जबकि उन्होंने 80,000 बोले लैप्रोस्कोपी के लिए। आप बोलिए ओपन के लिए कोई 80,000 बोलता? पूरा नाम लेके बोले वो प्रोसीजर करेंगे, लैप्रोस्कोपी करेंगे, बल्कि हम नहीं हो सकता बल्कि चले गए, हमको बार बार कॉल करके कन्विंस करके बुलाए, हम आपको लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं बल्कि। आपको डॉक्टर बेग बुलाए? जी हाँ, डॉक्टर बेग बुलाए। ये डॉक्टर सर्जरी डॉक्टर महेंद्र करे, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सुरेश है, और डॉक्टर बेग मीडिएटर है, मीडिएटर है। इनका हॉस्पिटल से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, इन्होंने चलते फिरते केसेस पकड़ के इधर हॉस्पिटल में कभी उधर हॉस्पिटल में, इनका काम ऐसी छे इनका। तो आपको ये डॉक्टर जो आपकी सर्जरी के लिए 80,000 बोले थे, वही सर्जरी 50,000 में करते बोल के बुलाए? और ये कब हुआ? पूरी सर्जरी हो गई, डॉक्टर सुरेश बाहर निकले तो मैं उनको पूछी कि मेरा पेशेंट कैसा है, बोलते हाँ शी इज ओके विल गिव यू विद इन हाफ एन आवर बोल रहे वो। तो मैं उनको पलटा के पूछी, मैं BOMS डॉक्टर हूँ, मेरे को मालूम है ड्रेन लगाते लैप्रोस्कोपी में, क्योंकि ओपन में करे तो कलेक्शन आ जाता बाहर, जो भी है सक्शन कर ले सकते, लेकिन लैप्रोस्कोपी में सक्शन नहीं होता, तो ड्रेन लगाए क्या सर? बोलते नहीं नहीं ड्रेन नहीं लगाया, अभी जाके आप लोग देखिए पेशेंट के पास, पेशेंट को ड्रेन लगे हुआ है। मतलब ओपन करे तो ड्रेन की जरूरत नहीं रहती, पेशेंट को ड्रेन की जरूरत नहीं रहती, अगर बहुत ज्यादा ओपेस है तो तब ओपन में भी डालते। डॉक्टर सुरेश के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ था वो हमको भी नहीं, वो आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम उन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन, मेरे से उनका ये कन्वर्सेशन हुआ, दोनों से भी ये कन्वर्सेशन हुआ कि मेरे को लैप्रोस्कोपी देंगे दोनों से। मतलब डॉक्टर सुरेश से फर्स्ट हुआ था जब 80,000 बोले, 80,000 जब बोले, उसके बाद जब 50,000 की बात हुई, जब डॉक्टर सुरेश से बात नहीं हुई, नहीं ये बीच में जो मीडिएटर बेग है वो उन्होंने ही बात करे, पूरी बात करे उन्होंने, सुने ना।